सो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू बिलीवर राइज का मेन कैरेक्टर यानी कि डांटे कोडियो, जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम कैरेक्टर है। मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सीखी, मतलब दो बातें बहुत ही अच्छी बातें सीखी है। वैसे तो मेन कैरेक्टर्स में नेवर गिव अप एंड मस्ती मजाक करना वो सब तो रहता ही है, पर साथ में मैंने उससे और दो बातें अच्छी सीखी है जिसके बारे में इसके वीडियो में बात करने वाला, और उन दो बातों की वजह से डांटे मेरा फेवरेट बना था बिलीवर राइज। सो जब ग्वेन ने पहली बार डांटे से लड़ाई की थी तो उसमें ग्वेन ने डांटे को हरा दिया था, और डांटे ने कहा था कि यार इसने तो मुझे हरा ही दिया था, मतलब हाँ ऐसा बोला जाए ग्वेन टू बिगिनर था ऐसे, पर उसने डांटे जैसे ब्लेड को हरा दिया था। तब हमारे ड्रैगन ने एक काफ़ी अच्छी बात डांटे को सिखाई थी, वैसे ड्रैगन काफ़ी अच्छी बातें सिखाता है। तो ड्रैगन ने बोला था कि, तो ड्रैगन ने कुछ इस टाइप का कहा था कि भाई ग्वेन हाँ स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तुमसे स्ट्रॉन्ग है वो, तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, पर तुम्हें इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, तुम भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो पर तुम्हें मेहनत करनी होगी। तो ऐसा ही टाइप का कुछ ड्रैगन ने बोला था, ड्रैगन काफ़ी अच्छा मस्त समझाता है, और मतलब डांटे ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था और उसे ये बात समझ भी आ गई। सो इससे हमें पता लगता है कि डांटे जो है अच्छी बातों को बहुत जल्दी समझ जाता है और बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर पाता है उन सब बातों को। डांटे ने आगे जाकर जो ड्रैगन की बात है उसको मतलब दिखाया भी, मतलब उसने शो किया कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ग्वेन उसे स्ट्रॉन्ग है, पर वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना, उसने ग्वेन को भी हराया। और इससे मैंने एक बात सीखी, हम जितना एफर्ट लगाते हैं मेहनत लगाने कोई हो सकता है आगे जाकर, मतलब हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर एफर्ट लगाना देख आगे जाकर हो सकता है कोई एक नया बंदा आके हमें हरा सकता है, पर हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। गुस्सा ये सब करके कोई फायदा नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना होगा और हमें बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी, जो ये अच्छी बात मुझे डांटे और ड्रैगन ने सिखाई थी। तो हाँ यही था वीडियो, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तो बाय।